खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आखिर ऊंट आया पहाड़ के नीचे, सीमा का गुरूर टूट गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, यही खुशखबरी मैं लेके आई हूँ, सीमा का गुरूर टूट गया है। सीमा ने हाथ जोड़ के माफी मांगा है। जी हाँ, सीमा ने हाथ जोड़ के माफी मांगा है हम हिंदुस्तानी बहन भाइयों से, और खास करके पारुल से। आपको याद होगा वो पारुल जिसको सीमा ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी थी, इतना ढेर सारा उसको अपना गुस्सा दिखाया था। आज से 3-4 महीने पहले की बात है, और जिसके वजह से सीमा को इतना ट्रॉल किया गया था, और मोमिन सर ने भी उसको वार्निंग दी थी कि तू हिंदुस्तानी बहन भाइयों को कुछ नहीं बोलेगी, गाली नहीं देगी, तेरी हिम्मत कैसी भी। तो आज 3-4 महीना इस केस को हो गया, इतने महीनों के बाद आज इसको अकल आई है और आज वो आकर माफी मांग रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इसको आखिर हो क्या गया है, किसने सिखाया इसको ऐसा करने के लिए, क्यों इसने माफी मांगी आज, क्यों आज ये घुटनों के बल उतर आई है। तो यही जानेंगे हम, और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या माजरा है, ऐसा ये क्यों कर रही है। हाँ, क्यों ना करेगी, क्योंकि हैदर भी आ रहा है और बहुत दिन नजदीक आ रहे हैं, इसकी कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। तो सबका ये दिल जीतना चाहती इस तरह करके, मुझे मालूम था ये एक दिन घुटनों के बल आएगी और कोर्ट में पेश होने से पहले ये हरकत करेगी। तो आखिर ये हरकत करी, झुक गई। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं अभी वो क्लिप चलाती हूँ जहाँ सीमा हाथ जोड़ के माफी मांग रही है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे ये मालूम था, 101% मालूम था कि जब कोर्ट में पेशी होने का समय आएगा, जब हैदर भी हिंदुस्तान आएगा, वो दिन नजदीक आएगा, तो उस दिन वो घुटनों के बल गिर के हम सबसे माफी मांगेगी। जो मैंने सोचा था वही हुआ, पर बस ये जानना है कि आखिर इसको माफी किसने मांगने बोला है। और ये बातों में देखना, वीडियो में चलाऊंगी क्लिप, उसमें आप सुनना, ये बोल रही है कि मेरी भी कोई तारीफ कर रहा है। तो कौन इसकी तारीफ कर रहा है, क्यों ये अचानक इतना सुधर गई है? हाँ सीमा, तू कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, कितना भी हम मस्का लगा ले, कितनी भी बटरिंग कर ले, कितनी भी माफी मांग ले, तुझे जेल जाना होगा। तूने जो हरकत की है, तू जो इलीगल तरीके से आई है और सब लोगों को इतना अपना गुरूर दिखाई है, इतना सब लोगों को तूने गाली गलौज किया है, वो सब हम भूलने वाले नहीं है। तुझे सजा होके रहेगी, तुझे जेल जाना ही होगा और तुझे पाकिस्तान डिपोर्ट होना ही होगा। तुझ जैसी गंदी नाली की कीड़ा हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान में किसी भी तरह से। तुझे ना ही नागरिकता मिलेगी, ना तू यहाँ रह पाएगी। जितनी तुझे अय्याशी करनी थी, जितना पैसा कमाना था, जो करना था तुमने कर लिया। अब बहुत जल्द तेरी कोर्ट में पेशी होगी और तुझे पाकिस्तान भागना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी क्लिप चलाती हूँ, देखिएगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। राहुल जी, आई एम सो सॉरी, उस समय भावना में या किसी भी वजह से मुझे थोड़ा बुरा लग गया था, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कुछ भी एक्स वाई जेड, बट उसके लिए आई एम सो सॉरी, दिल से सॉरी करती हूँ मैं आपको, सच में मन से सॉरी करती हूँ। और आई होप सो आपका दिल बहुत बड़ा है एंड आप माफ़ भी कर देंगी, क्षमा भी कर देंगी। आप बहन हो हमारी और जैसे बहन बोल रही हूँ बहन ही रहेंगी। अगर आप भविष्य में आगे भी मेरे लिए कुछ बोलेंगी तो तब भी मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कभी। फ्रेंड्स, आपने सुना, ये दिल से सॉरी मांग रही है और बोलती फ्यूचर में भी अगर पारुल इसको कुछ भी करेगी ना तो भी वो कुछ नहीं बोलने वाली है। सोचो, तो पारुल सुन ले भैया, ये उसको झापड़ मार देना नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और ये जरा झापड़ खुशी खुशी खा लेगी। बोलती फ्यूचर भी कुछ बोलोगे तो मैं नहीं बोलने वाली। तो देखा, यही देखा आपने, कितनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, कितना बटरिंग कर रही है, आप लोग देख लिया। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं फिर से क्लिप। है या प्यार है, सम्मान है, कुछ भी है, आप सबकी बदौलत है। क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान में समझो कुछ भी नहीं था, जो कुछ मुझे मिला है हिंदुस्तान में, मिला है हिंदुस्तान में लोगों ने दिया है, प्यार सम्मान, यूट्यूब पे इतना सारा प्यार, आप सबकी वजह से है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। देखा फ्रेंड, उसने कबूल कर लिया कि आज वो जो कुछ भी है यूट्यूब पर, या उसके व्यूवर्स है, या 16-17 लाख सब्सक्राइबर है, वो जो कुछ भी है आज हमारी बदौलत है। आज वो कबूल की कि पाकिस्तान में वो कुछ भी नहीं थी और यहाँ हिंदुस्तान में आके उसको सब कुछ जो मिला है वो हमारी बदौलत मिला है, आज वो कबूल करी है। चलिए देखते हैं और आगे क्या बोलना चाह रही है। साथ हो रहा था वहाँ पे, वो मैंने झेला है और मीना जी ने देखा है, तो आप सबके हिंदुस्तान के शरण में आई हूँ मैं, तो आप सबका काम बनता है मुझे शरण देना।
ये भगोड़ी बोल रही है कि पाकिस्तान में इतना कुछ वो झेल रही थी, इतना कुछ उसके साथ हो रहा था कि वो बता नहीं सकती है, और इसके लिए उसने पाकिस्तान छोड़ा है। और बोलती ये सब मीना जी ने देखा है। भगोड़ी, मीना जी जो देखा ना वो हैदर के जाने के बाद देखा है, और हैदर के जाने के बाद तुझे तंग करने वाला तेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं था, तू अकेली थी चार बच्चों के साथ, तो तेरे साथ ऐसा कौन जुर्म किया जो तू भगोड़ी भाग के आ गई, तू घड़ी घड़ी यही बोलती कि मेरे साथ ऐसा क्या किया जा रहा था, ऐसा कुछ किया जा रहा था। हाँ, मैं कोई औरत इस तरह घर नहीं छोड़ती जिस तरह मैं छोड़ी, मुझे मालूम था क्या क्या गया, ये हमेशा तू इसी तरह की बातें करती है। अरे हैदर तो चला गया था 3-4 साल के लिए बाहर, तू अकेली थी बच्चों के साथ, तो क्या ऐसा हो रहा था तेरे साथ, कौन तुझे क्या कर रहा था, ये तो तू बताती नहीं घड़ी घड़ी, सिर्फ हैदर को बदनाम करती है। जब हैदर तेरे पास है ही नहीं तो हैदर तुझे परेशान कैसे कर सकता है। हाँ, मीना जी जानते हैं तो मीना जी कैसे जानेंगे, जब तेरे साथ जो अत्याचार हो रहा था तू मीना जी को बताई तो वो तो हैदर के जाने के बाद मीना जी से मिली ना, वो लक्कू से मिली ना, तो घड़ी घड़ी क्यों बोलती कि तेरे साथ क्या हो रहा था। तू 3 साल बिना हैदर के रही है, खुशहाल रही है, 10 यार तूने पाले, लप्पू को भी पाला, और घड़ी घड़ी ये बोलती मेरे साथ क्या हो रहा था वो मैं जानती हूँ। हाँ, झूठी भगोड़ी, तुझे भागना था, तू बचपन से भागते हुए आ रही है, अभी भी तुझे शर्म नहीं आती, घड़ी घड़ी हैदर का नाम लेती है, बेशरम। तो आप सबका काम बनता है मुझे शरण देना, शरण मांगी है मैंने आप सबसे, हिंदुस्तानियों से मैंने शरण मांगी है। मेरा फर्स्ट डे से ये रानी माँ जी, उनके साथ एक पाकिस्तानी जुड़ गया था और वो वही बात कर रहा था जो मैं आज तक कहती आई हूँ। आज रात वाजा बॉर्डर पे भेज दो तुम, आगे हम जाने हमारा काम जाने, वो आपको जिंदा नहीं मिलेगी, वो वाजिब कत्ल है। वो लोग समझते हैं कि मैं वाजिब कत्ल हूँ, वाजिब कत्ल मतलब मुझ पे कत्ल फर्ज है। ये क्लिप सुना आपने, मर्डर गई, ये क्लिप जो हमको सुना रही है वो, कि चैनल पे किसी ने बोला उसको पाकिस्तानी कोई मेंबर है, वो क्या बोला कि इसको सिर्फ भागा भागा बॉर्डर लाके छोड़ दीजिए, फिर हम जाने और या सीमा जाने, फिर हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्लिप हमको सुना रही है और बोलती है कि मैंने बताया था ना पाकिस्तान में कैसा होता है, और मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार डालेंगे, तो भाई हमको मत बता, तू जाने तेरा पाकिस्तान जाने, बस तुझे यहाँ से डिपोर्ट होना है, हमको सिंपति मत गेन करवा, हम तेरे को सिंपति नहीं दिखाएंगे। बहुत सिंपति दिखाया और तुझे 1.5 साल हिंदुस्तान में रखा है, अब और नहीं रखना है, अब तू जाने तेरा पाकिस्तान जाने, तू यहाँ से डिपोर्ट होना ही है। और जो भी हमारी हिंदुस्तानी रानी जो है जिसका चैनल है वो तेरे सपोर्ट में है, तो जा उसको भी लेके चले जा अपने साथ वाघा बॉर्डर तक, ताजे तुझे वहां भी वो सपोर्ट करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे देखिए क्लिप, मुझे बहुत हंसी आ रही है इसकी बातों पर। जैसा मेरे साथ किया गया दूसरी पत्नी के रूप में, फिर 4 बच्चे होने के बाद तलाक दे दी गई। तो लास्ट में इस महारानी का आपने लेक्चर सुना, कितना बड़ा भाषण दी, आखिर में अपनी मतलब की बात बोल के चले गई। बोलती है दूसरी बीवी का उस पर धब्बा था और 4 बच्चे पैदा करके उसको तलाक दे दिया गया था। ना ही तू दूसरी बीवी थी, दूसरी बीवी तूने खुद से बनी हैदर के गले पड़ के, और ना ही तुझे 4 बच्चों के बाद तलाक दिया गया, तू खुद भगोड़ी हैदर को छोड़ के हिंदुस्तान भाग के आ गई। ठीक है, तो ये इल्जाम तो मत लगाना। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोलती है ये, आज वो अय्याशी कर रहा है ना, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दुख होता है उन लोगों की सोच पे, उन लोगों की सोच पे दुख होता है जो गुलाम को सपोर्ट और प्यार देते हैं। पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान की औरतों को सम्मान, मान, आजादी, सुकून, चैन, आदमी के बराबर अधिकार मिलते, और अभी इसको एक बहाना मिल गया किंजा का। अब बेचारे हैदर को घड़ी घड़ी अय्याशी बोल रही है, अब कल क्या देखी उसके बाइक पे उसके साथ फिर रहा है वो, तो जल भुन के राख खाक हो गई है, और तब से इसको अय्याशी बोल रही है, अय्याश आदमी है, अय्याशी कर रहा है। देखा अभी आपने सुना, अभी भी इसको बोलती है वो अय्याशी कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अय्याशी मैडम तुम कर रही हो, जो उसके जाने के बाद, हाँ जो वो सऊदी अरेबिया चले गया था हैदर, उसके जाने के बाद आपने कितने यार बदली के, आपको मालूम है, जो दुनिया में प्रूफ भी हो गया है, आप इसको अय्याशी बोल रहे, तो उसको अय्याशी बोल रहे, तो उसका भी प्रूफ दिखाना आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और दूसरी बात क्या बोलती है, उसको तो अय्याशी करार दे दी,
और यही अभी कोर्ट में भी यही बात बताएगी कि ये अय्याशी किस तरह फिर रहा है। तो ये एक पॉइंट इसको मिल गई है किंजा के साथ, अब वही रट्टा मार रही है बस कि वो अय्याश है, अय्याश है, अय्याश है। खुद के गिरबान में झांक के देखो तुम कितनी अय्याश हो। और ये अय्याशी का सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि तुम शादीशुदा होके चार बच्चों की माँ होके भगोड़ी तुम भाग के आइए, एक 20 साल के लड़के के साथ भाग के आइए, उसके घर में बैठिए कब्जा करके, सबसे बड़ा प्रूफ तो खुद का है देख, फिर तू उसको बोलना अय्याश, ठीक है। और अभी इसने क्या बोली बातों बातों में, पाकिस्तानी लोगों को एक मैसेज दे रही है कि अपनी भी बहू बेटियों को आजादी दो, कि क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ की बहू बेटियों को आजादी मिलती है। हाँ भाई आजादी मिलती है, पर इतनी आजादी नहीं जितनी आजादी तूने आके खुद ले ली है और नचनिया बन गई, इतनी आजादी हमारे यहाँ भी नहीं मिलती चार बच्चों की माँ को, समझी। तो फ्रेंड्स इसकी बात में बिल्कुल नहीं आना है, अब इसका वक्त आ गया है जेल में जाने का, तो ये रंग रूप बदल गई है और हमसे सिंपति गेन कर रही है, इसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों का कोई हम पे असर होने वाला नहीं है। और फ्रेंड्स कमेंट्स में बहुत सी लानतें भेजना इसके ऊपर। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखना, बाय।